नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। और इस बार ये वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के वीज़ा के लिए। तो दुबई का वीज़ा मैंने कैसे लिया, कौन सी वेबसाइट से लिया, वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये जो वीज़ा है वो 5 साल का है, 5 साल मल्टीपल एंट्री, जिसमें आप हर एक साल 90 दिन तक दुबई में रह सकते हो। तो बताना चाहूँगा कि मैंने ये वीज़ा क्यों लिया, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ। मुझे आगे जो मेरा ड्रीम्स है कि मैं अलग अलग कंट्री घूमूं और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादातर या तो ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा या तो सिंगल एंट्री वीज़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने एक दुबई डेस्टिनेशन ऐसा चूज़ किया है जहाँ से मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट जो रहती है आगे की कोई भी कंट्री के लिए, वो मुझे वहाँ से बहुत ही चीप रेट में मिल सकती है। तो मैंने मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो दुबई को रखा है। दुबई का मैंने 5 साल का वीज़ा लिया है, वो वीज़ा मैंने सिर्फ और सिर्फ 650 दिरहम में लिया है। और इस वीज़ा के डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वीज़ा में डॉक्यूमेंट में मैंने लगाया था मेरा पासपोर्ट, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी। अभी तो मेरा पासपोर्ट फ़िलहाल लंबे 2027 तक है, लेकिन आपको अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम आपका 6 महीने का वैलिडिटी पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद अंदर 2 पेज कम से कम खाली रहने चाहिए, जहाँ पर अपना आने जाने के लिए स्टैंप लगता है। दूसरी चीज़ है आपकी कलर फोटोग्राफ जो है 35x45 mm। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। कोरोना के पेंडामिक के बाद हर एक कंट्री ने ट्रैवलिंग के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो मैंडेटरी किया है वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मिनिमम कंट्री ने, जैसे यूरोप ने किया है 30,000 यूरो, तो 30,000 यूरो का। लंदन ने किया है 30,000 यूरो इसके समथिंग। तो मैंने अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो $50,000 का 6 मंथ का लिया था, वो मैंने लगाया है। और चौथा डॉक्यूमेंट है आपका होटल बुकिंग। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दुबई, या तो मैंने जो लिया है वो पूरे अरब अमीरात जो कंट्री 7 कंट्री रहती है उसके बारे में। मैंने अप्लाई किया था अबू धाबी, जो कि UAE की कैपिटल है। अगर आपको दुबई से ही वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग लिंक है, उसके लिए अलग वेबसाइट है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये वीज़ा लेने का मेन मकसद था मेरा कि मैं दुबई भी आज से पहले कभी गया नहीं था। 2020 में मैंने जाने का प्रोग्राम बनाया था, मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन पड़ा था उसमें मेरा फ्लाइट कैंसिल हुआ और मुझे एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा था। तब से लेके मैं यही सोच रहा था कि कब जाके मेरा ये दुबई का जो ड्रीम है वो पूरा हो। लेकिन ये ड्रीम पूरा होने के साथ साथ मैंने और 2 कंट्री का भी वीज़ा लिया और वो भी अभी पूरा होने वाला है। तो इस ट्रैवल प्लान में हम लोग 3 कंट्री को कवर करेंगे, जो कि रहेगा मेरा दुबई का 4 दिन का स्टे। उसके बाद जो कंट्री रहेगी उसमें 6 दिन का स्टे है, और उसके बाद जो कंट्री रहेगी उसमें 12 दिन का स्टे है। और दुबई के अलावा जो 2 कंट्री है वहाँ तो जाने के लिए आप सभी भी बहुत ही एक्साइटिंग होते हो कभी भी, फिर ये छोटी मोटी कंट्री नहीं है जिसमें ऑन अराइवल वीज़ा रहता है, ऐसी कंट्री नहीं है। इसके वीज़ा भी आप अगर सोचते हो तो बहुत ही हार्ड है, और अगर आप सोचोगे तो बहुत ही आसान है। तो ये दोनों कंट्री का भी वीज़ा हम कैसे लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए अपनी चैनल के साथ। और अगर फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो रहेगी वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और उस वीडियो के ज़रिए आप मेरे साथ मेरे टूर में घूम सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। और जो डेस्टिनेशन मैंने सिलेक्ट किए उसके बारे में भी आगे की आने वाली वीडियो में मैं बताता रहूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।